वेलकम दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कोलकाता में हो रहे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी पे डोर टू डोर कैंपेन के बारे में। जी हाँ, कोलकाता में कुछ लोगों ने एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिससे वो घर घर जाके लोगों को सीएए और एनआरसी पर जागरूक कर रहे हैं और लगे हाथों उनसे इस कानून के बारे में राय भी पूछ रहे हैं। सोर्सेस के मुताबिक घर वालों ने अपने बयान में उनसे अपना डर भी जताने की कोशिश करी और कुछ हिंदू कम्युनिटी ने यह भी कंप्लेन करी कि उनके दस्तावेज सही ढंग से उनके पास मौजूद नहीं है। कुछ दस्तावेज में नाम की अदला बदली है तो कहीं डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम की कंप्लेन बताई है। वहीं कुछ सोर्सेस के मुताबिक एक शख्स ने एक कंप्लेन भी दर्ज करवाई है जहां उसने अपने नाम को बदलने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अपने वोटर आईडी कार्ड दिया, लेकिन उस शख्स ने बजाय नाम बदलने के उसका फोटो ही बदल दिया। जी हाँ, लोग पहले ही इस कानून जो कि सीएए एनआरसी से परेशान है, ऊपर से गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ऐसी गलतियां लोगों को मुसीबत में डाल सकती हैं। एनआरसी पर लोगों का डर असल उनके दस्तावेज में कुछ गलतियों की वजह से भी है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय करते हैं। नाम में कुछ ऊंच नीच हो जाने की वजह से लोगों की नागरिकता जाने के डर से लोग अपने दस्तावेज को ठीक करवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनके नाम को बिगाड़ने पे लगी हुई है। आज देश का वो हाल हो चुका है जहां गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंसान और जानवर में फर्क नहीं समझ आता। जी हां, जिस शख्स ने ये कंप्लेन दर्ज करवाई थी असल वो अपने नाम में बदलाव चाहता था, लेकिन बजाय उसके नाम को बदलने के उसकी फोटो ही बदल डाली और बजाय इंसान की फोटो डालने के किसी जानवर की फोटो डाल दी। सुनने में ये बात एक मजाक के सिवा कुछ और नहीं लग रही होगी, लेकिन किसी इंसान के साथ ऐसा हुआ है और वो भी ऐसे मौके पर जहां गवर्नमेंट लोगों से उनकी नागरिकता पूछ रही है उनके कागज के बल पर, और वहीं उनके कागजात सही ढंग से नहीं मौजूद, जो मौजूद हैं उनमें भी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गड़बड़ी कर रहे हैं। तो ये किसकी गलती है, किस पर इल्जाम लगना चाहिए, किस पर उंगली उठानी चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए अपनी राय। वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।